और मेरे इस सारे प्रोग्राम को मीडिया ने एक छोटी सी भूल पे सारे प्रोग्राम को धूल में मिला दिया और पूरे हिंदुस्तान में हमारे जिले मुरादाबाद के नाम मिट्टी में मिला है इस दो कोड़ी की मीडिया ने। मेरे दोस्तों, हमें अच्छी मीडिया की जरूरत है जो लोगों के जज्बात समझे, जो ये समझे कि हाँ इंसान के भूल चूक हो सकती है, उस भूल को भूल करके हमारे अच्छे कामों को दिखाएं। अरे तुमने मेरी सारी अच्छाइयों के ऊपर मेरी एक बुराई उड़ा दी, तो मैं कल से सो नहीं पाया, कल से मैं बिल्कुल भूखा हूँ और मेरा परिवार पूरा परेशान है मेरे दोस्तों। अरे इस सरजमी की, इस सरजमी को हम ऐसा मानते हैं मेरे दोस्तों कि शहीदों की सरजमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये शहीदों की सरजमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। हमें ऐसा इसका मुकाम अपने दिल के अंदर रखते हैं मेरे दोस्तों, और हम कसम खाकर कहते हैं इस हिंदुस्तान के ऊपर कोई आंख उठाकर भी देखेगा जहां और होगा पसीना बहेगा मेरे दोस्तों, हमारा वहां खून बहेगा मेरे दोस्तों। क्या आओ वतन परस्ती एक दूसरे की आजमाते हैं, क्या आओ वतन परस्ती एक दूसरे की आजमाते हैं। नारे तुम लगाओ खून अपना हम बहाते हैं मेरे दोस्तों। हमारा जज्बा आज भी यही है, हम तैयार हैं अपने हिंदुस्तान की रखवाली के लिए जब जब हमारे खून की, हमारे लहू की जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्तों। हम अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने बूढ़े माँ बापों को छोड़ करके हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे निकल पड़ी है मेरे दोस्तों। लेकिन इस मीडिया ने मुझे बदनाम किया है मेरे दोस्तों, इस मीडिया से आप हैरान हो जाइए। यही मीडिया अच्छे लोगों को आत्महत्या करने में मजबूर कर देती है मेरे दोस्त। इन्हें नहीं पता कि हमारे आपका जज्बा क्या होता है, जितनी मेहनत से हम लोग अपनी इज्जत इस समाज में बनाते हैं, ये मीडिया दो मिनट में हमारी इज्जत सारी उछाल कर रख देती है मेरे दोस्तों। कहना तो बहुत कुछ है लेकिन मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा मेरे दोस्तों, कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। इसी मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं मेरे दोस्तों, इसी मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और आखिर में मैं अपने माननीय सांसद जी से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ कि मेरी वजह से पूरे हिंदुस्तान में उन्हें सफाई देनी पड़ी मेरे दोस्तों। मैं माफी मांगता हूँ अपने जनाब ए के एसन साहब से और अपने सारे मेहमानों से, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ मेरी वजह से जिसकी भी जिम्मेदारी हुई, मुझे माफ करे मेरे दोस्तों, क्योंकि मुझे अच्छी तरह जानते हैं ये एक षड्यंत्र के तहत हमारी बेइज्जती की गई मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद मेरे दोस्तों। खुदा हाफिज़।